हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी क्रिप्टो एमके वंस अगेन विद यू टू रिव्यू एन अमेजिंग प्रोजेक्ट। जैसे गाइस आप जानते हैं, मैं हर दफ़ा कोई ना कोई न्यू प्रोजेक्ट लाता हूं, आपके साथ रिव्यू करता हूं उसका। तो आज बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट लाया हूं जिसका नाम है ऑर्बिट टाओ। तो बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है, इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा, इसके लाइट पेपर, इसकी टेस्टनेट गेम के बारे में, इसकी मार्केट प्लेस ऑडिट वगैरह, इसका सारी डिटेल दूंगा मैं आपको। अभी इसकी मार्केट प्लेस आई थिंक लॉन्च नहीं हुई, अगर हुई भी है तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनके सोशल लिंक्स दिए हुए हैं, इनको भी आपने ज़रूर फॉलो करना है ताकि इनकी सारी अपडेट्स आपको आसानी से मिलते रहें। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, एंड तक जुड़े रहिएगा, बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का जो है प्रोजेक्ट। बहुत ही अमेजिंग फैंटसी गेम है जो कि इंस्पायर्ड हुई है फैंटसी गेम से, नॉर्स मैथोलॉजी और सेवन डेडली सिन से। और बहुत ही अमेजिंग, ये भी उसी तरह का एक्सपीरियंस रखने वाली गेम है। जिन लोगों को बहुत अच्छी गेम लगती है जो कि फैंटसी गेम्स होती हैं, तो उनको ये भी बहुत अच्छी लगेगी और इसमें आप अर्निंग भी कर सकते हैं। प्ले टू अर्न है तो आप इसमें आसानी से अर्निंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसका जो TAUM है, लिस्टेड ऑन PancakeSwap है, और जो है यहाँ पर आप चेकआउट भी कर सकते हैं। जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड करने के लिए आई अंडरस्टैंड क्लिक करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपका जो TAUM ऐड हो जाएगा और यहाँ से आप इसको अपना वॉलेट कनेक्ट करके, नेटवर्क सेलेक्ट करके आप इसको बाय कर सकते हैं आसानी से। तो इसको भी बाय करके अपने पास रख सकते हैं। और यहाँ पे टेस्ट नेट जो है इनके रजिस्ट्रेशन ओपन है, यहाँ पर आप क्लिक करके अपना जो है टेस्ट नेट के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पर आपने करना क्या होगा, अपना फुल नेम और ईमेल एड्रेस देना है और सबमिट कर देना है, और ताकि आपको वाइट लिस्ट के लिए, अगर आप रूल्स में हैं जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं, मोर देन 1000 स्लॉट्स विल बी वाइट लिस्टेड फॉर टेस्ट नेट। उसके बाद जो है होल्डिंग एट लीस्ट 3 इमोर्टल एग्स हैं, 100% विल बी वाइट लिस्टेड। जिनके पास 3 इमोर्टल एग्स होंगे वो 100% वाइट लिस्ट हो जाएंगे। होल्डिंग एट लीस्ट 200 TAUM जो इनके टोकन्स हैं, अगर आपके पास 200 TAUM हैं तो आप भी रैंडमली सिलेक्ट हो सकते हैं वाइट लिस्ट के लिए। तो चलें वापस साइट पे चलते हैं हम। तो साइट पे आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टेस्ट नेट ओपन नाउ है और यहाँ पे गेम होम स्क्रीन दी हुई है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। 3 जो है NFTs यूज़ किए जाते हैं एक गेम प्लेयर के लिए। तो प्लेयर जो अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा उसके पास 3 हीरोज होंगे, हर एक का उसका अपना जो है स्किल का सेट होगा और उनको आसानी से आप अपग्रेड भी कर सकेंगे, अरेंज भी कर सकेंगे अपने गोड्स वगैरह को। तो यहाँ पे गेम प्ले का थोड़ा दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे NFT एग्स के बारे में बताया हुआ है कि एग्स क्या है। एग्स जो हैं इनके क्रिस्टलाइज्ड हैं, इनमें डिफरेंट किस्म के एनर्जीज होंगे, डिफरेंट किस्म के एग्स होंगे। अगर आपके पास मिथिकल एग है, लेजेंडरी एग है या फिर इमोर्टल एग है। अगर आपके पास इमोर्टल एग होगा तो आप वाइट लिस्ट भी हो सकते हैं, आपको मैंने पहले बताया है। तो प्लेयर्स का अपना लक है कि उसके पास कौन सा एग होना है और हैच होना है, तो उसके बाद जो NFT आएगा उसके लक पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक एग है हमारे पास। तो जैसे ही ये हैच होगा तो इसमें से एक NFT बाहर आएगा जो कि आप चेकआउट करेंगे। अभी अभी हैच होने वाला है तो ये देख सकते हैं ये NFT बाहर आ चुका है। तो इनके जो हीरोज़ हैं NFTs हैं, यहाँ पे एम्बरसन है। एम्बरसन जो है बहुत ही कमाल का NFT है, अपने आप को क्रिएट भी कर सकता है, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है आई थिंक। एम्बर इज़ अ मैजिस्टिक मोनेच हु हिमसेल्फ क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड सिविलाइजेशन। तो नो रेस डेज टू चैलेंज हिम, तो कोई भी इसे रेस में चैलेंज नहीं कर सकता है। अर्थ सन जो है फिक्स किंग, फर्स्ट किंग है जो कि एडन को मीट किया, और यहाँ पे मोनेच अर्थ हैड नो इंटेंशन ऑफ बिलीविंग इन द प्रोमिस ऑफ अ गॉड। तो फॉरेस्ट सन है, इसी तरह फॉरेस्ट सन की भी अपनी एम्पावर है, सोल्स हैं, और यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं इसके बारे में। और सन है यहाँ पे, उसके बारे में बताया हुआ कि इम्यूटेबल है, इटर्नल ट्रूथ है इसमें, और यहाँ पे इसकी बाकी डिटेल देख सकते हैं। ओशन सन है इसी तरह,
इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे इसी तरह एम्बर सन एक्ट के बारे में बताया हुआ है, इसी तरह अर्थ एक्ट के बारे में बताया हुआ है, फॉरेस्ट एक्ट के बारे में, और यहाँ पे जो है ओरस एक्ट और ओशन एक्ट के बारे में, तो इसको देख लीजिएगा। हीरोज व्यू यहाँ पे दिए हुए हैं, आप हीरोज व्यू भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, और बैटल व्यू यहाँ पे दिया हुआ है, बैटल एरिना सॉरी। तो बैटल एरिना जो है डिफरेंट एलिमेंट्स की बेस पे बनाया गया है, यहाँ पे आपको हेल की लैंड जो है रिप्रेजेंट कराई जाएगी, जो कि डिफरेंट किस्म के डेंजरस लॉर्ड होंगे इस लैंड में। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा नेक्स्ट करके भी देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको लैंड दिखाई जाएंगी। तो नेक्स्ट नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पे गेम फीचर दिया हुआ है, फैंटसी गेम इंस्पायर्ड नॉर्स मिथोलॉजी एंड सेवन डेडली सिन। तो आपको मैंने इसके बारे में पहले ही बताया, तो यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं इसके मुतारिफ कराए हुए हैं इस गेम के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली क्वेस्ट होगा इसमें, वीकली क्वेस्ट होगा, जो आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और विन करेंगे तो आपको इस पे रिवार्ड भी मिलेगा। तो टावर है, टावर में जो है स्टोरी प्लेयर्स विल ग्रो थ्रू टावर्स ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी अकॉर्डिंग टू देयर करंट पावर लेवल एंड रिसीव मैनी हाई वैल्यू रिवार्ड्स। इसी तरह गिल्ड है, गिल्ड में जो है वंस यू बिकम अ मेंबर ऑफ क्लैन गिल्ड यू विल ज्वाइन अदर प्लेयर्स इन क्लैन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा, हीरो जो है हीरो इनके गेम जर्नी का हीरो 3 होंगे, जो कि आप गेम स्टार्ट करेंगे, इनके पास अपने स्किल्स होंगे, इन्वेंट्री है, इसी तरह शॉप होगी, टेरिटरी सिस्टम होगा, इसी तरह चैप्टर 1 जो है इनवे कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास रोड मैप इनका दिया हुआ है, फर्स्ट क्वार्टर 2022 में जो पीवीई स्टोरी क्वेस्ट टावर ट्रेनिंग एनएफटी मार्केट प्लेस लकी इवेंट्स। इसी तरह जो है सेकंड क्वार्टर ऑफ 2022 में जो है गिल्ड फॉर्मेशन गिल्ड क्वेस्ट टूर्नामेंट एंड किंगडम गिल्ड वॉर है, और आवर टीम में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं F6 गैलेक्सी इज द कोर टीम इम्प्लीमेंटिंग द ऑर्बिटो प्रोजेक्ट एंड इट इज made up of experts with an average of more than 11 years of experience. तो average इनकी जो है 11 year experience each person है, तो इनकी बहुत ही कमाल की टीम है, आप इनके बारे में यहाँ पर डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो इनके CEO वगैरह के बारे में सारा, और यहाँ पर इनके partners भी दिए गए हैं, यहाँ पर इनकी टोकनॉमिक्स दी हुई है, इसकी एलोकेशन वगैरह हर चीज़ बताई हुई है। तो यहाँ पे आप इनके सोशल लिंक्स ज्वाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम ट्विटर देख लेते हैं, ट्विटर को आपने इसको फॉलो करना है, तो यहाँ पे गाइस आपने इसको फॉलो करना है, यहाँ पे देख सकते हैं 119.9K फॉलोअर्स हैं इनके, और यहाँ पे आप इनकी अपडेट्स वगैरह चेक करते रहें। 4 घंटे पहले इनकी हीरोज चार्म के बारे में यहाँ पर अपडेट आई हुई है, इसी तरह 6 घंटे पहले, तो आपको यहाँ पर जो है हर तरह की अपडेट मिलती रहेगी। तो यहाँ पे हम चलते हैं, तो हमारे पास इनका लाइट पेपर मौजूद है, तो लाइट पेपर हम देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह इनका ब्लॉग है, डी ऐप है, इसी तरह हमारे पास इनका डॉक्स है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या ओपन हो गया, तो यहाँ पे इनका जो है आई थिंक पेपर ओपन हो चुका है टॉरम के बारे में, torum.io ये, तो इसके बारे में देख लीजिएगा आप, इसकी कोर टीम बताई हुई है, इसी तरह इनके जो है टोकनॉमिक्स वगैरह भी बताई हुई है, यहाँ पे इनके पार्टनर्स के बारे में बताया हुआ है, व्हाट इज़ ऑर्बिटाओ इसके बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे इनकी टीम है, टीम के बारे में आप देख लीजिएगा, बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है, तो यहाँ पर इनकी टीम के बारे में आप देख सकते हैं। इसी तरह जो है हमारे पास टोकनॉमिक्स में इनकी टोकनॉमिक्स बताई हुई है, इसी तरह पार्टनर्स बताया हुआ है, इसी तरह इनके व्हाट इज़ ऑर्बिट्रो है क्या इसके बारे में पूरी डिटेल दी है। BSE बेस्ड जो है ये गेम है, प्ले टू अर्न गेम है, यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है एग्स मिलेंगे, डिफरेंट हीरोज़ मिलेंगे जहाँ पे आपने प्ले करना है, गेम कॉन्सेप्ट दिया हुआ है यहाँ पे, गेम कॉन्सेप्ट में आपको और ओशन अर्थ फॉरेस्ट एम्बर इस तरीके के जो है प्लेयर हमारे पास इनकी जो है खसूसियात दी गई हैं, जो एग्स और हमारे पास हीरोज होंगे उनके गेम फीचर्स बताए हुए हैं, इसी तरह टारगेट ऑडियंस इनकी बताई हुई है,
यहाँ पे इनकी गेम डेवलपमेंट रोड मैप वगैरह सारी तरीक़ाकार आपको बता दिया गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसी तरह लाइट पेपर अगर आप रीड आउट करते हैं तो इसके बारे में और मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस तरह इन्होंने फिर से अपनी टीम जो है मुतारफ़ कराया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो बहुत ही कमाल की इनकी टीम है। इसी तरह इनके पूरा गेम प्ले वगैरह और स्ट्रक्चर आवर टीम, इनके लिंक्डइन के कॉन्टैक्ट भी दिए हुए हैं, पार्टनर्स के बारे में बताया हुआ है, तो आप इनको देख लीजिएगा। इसी तरह हमारे पास जो है इनका और ऑर्बिटाओ का ब्लॉग ओपन हो चुका है, यहाँ पे इनके बारे में सारे ब्लॉग मिल जाते हैं, तो ये लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आपको इनको देख लीजिएगा। इसी तरह जो है हमारे पास डॉक्स हैं इनके, तो इसी तरह जो है हमारे पास इनका ऑडिट भी मौजूद है, इसी तरह हमारे पास इनका जो है मार्केट प्लेस भी मौजूद है। तो डॉक्स हमने पहले ही रीड आउट कर लिए थे, इसी तरह हमारे पास इनका ऑडिट मौजूद है, तो आप इनका ऑडिट भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनको आप देख लीजिएगा इनका ऑडिट, तो इसके बारे में पूरी आप तफसील ले सकते हैं। आपको मैं हर दफ़ा कहता हूँ कोई भी प्रोजेक्ट हो उसका ऑडिट और वाइट पेपर लाइट पेपर वगैरह ज़रूर रीड आउट किया करें, ताकि इनकी पूरी हिस्ट्री आपको मौजूद मालूम हो और आप इसमें आसानी से जो है पार्टिसिपेट कर सकें। इसी तरह इनकी मार्केट प्लेस है, आप इसको वॉलेट कनेक्ट करके जो है मार्केट प्लेस में अपना स्टेकिंग वगैरह कर सकते हैं, इन्वेंट्री अपनी चेक कर सकते हैं, लेदर बोर्ड पे अपने रैंकिंग वगैरह, यहाँ पे आप इनके एग्स लेना चाहें तो ये बाय कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हम वापस चलते हैं साइट पे, साइट पे जाने के बाद हमारे पास इनका जो है डी ऐप मौजूद है, तो डी ऐप पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे गेम मौजूद है। तो इसको आपने करना क्या है, अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। वॉलेट अभी टेस्ट नेट आया, तो टेस्ट नेट के बारे में थोड़ा मैं आपको बताता चलूँ। टेस्ट नेट आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आके जो है सेलेक्ट करना है एड न्यू नेटवर्क। अगर आपके पास बी एस सी टेस्ट नेट नहीं है तो आपने यहाँ पे आ जाना है गूगल पे, तो वहाँ पे आपने लिखना है कि हम कैसे जो है हाउ वी कैन ऐड बी एस सी टेस्ट नेट इन आवर मेटामास्क। तो इसके बारे में पूरी आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा तरीक़ाकार बताया जाएगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जो है बी एस सी टेस्ट नेट की सारी डिटेल मिल जाएगी, तो आपने ये पुट कर देनी है और अपना टेस्ट नेट ऐड कर लेना है। इसके बाद टेस्ट नेट में आपने जो है क्लेम कैसे करना है बी एन बी, ताकि आप गैस फीस वगैरह आ सकें, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हाउ टू गेट बी एन बी ऑन बी एस सी टेस्ट नेटवर्क। तो यहाँ पे आपने सिंपल थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, आपको सेकंड जो लिंक मिलेगा testnet.binance.organization, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपने अपना जो है ये एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पुट कर देना है, और यहाँ पे आपने लिख देना है कि गिव मी 1 BNB, तो आपको जो है 1 BNB मिल जाएगा, ताकि आप जो है गैस फीस वगैरह आपकी कंप्लीट हो सके। तो ये सिंपल तरीका है बी एस सी टेस्ट नेट वगैरह ऐड करने का। तो हम डी ऐप पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। इसके बाद जो है अपना जो है यहाँ पे आपने अपनी ईमेल बिंड कर लेनी है। ईमेल बिंड करने के बाद आपने गेम प्ले पे आ जाना है। तो यहाँ पे गाइज आपने डी ऐप पे जो है यहाँ पे इन्वेंट्री मिल जाती है आपको, लेदर बोर्ड पे आपके रैंकिंग वगैरह मिल जाती है। यहाँ पे गेम पे आप आते हैं तो यहाँ पे आपका जो है एड्रेस बिंड होता है। इसी तरह से अगर आप इसको डिसकनेक्ट करते हैं, तो फिर मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने कनेक्ट वॉलेट करना है, इसके बाद बिंड एड्रेस करना है, कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद जो है इस तरीके से, तो बिंड करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। अगर आपने लॉगिन किया हुआ है, रजिस्टर किया हुआ है, तो रजिस्टर के लिए आपको यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह देना है। अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो सिंपल आप साइन इन या लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना जो है ऑन एड्रेस देना है, और उसके बाद पासवर्ड देना है। तो पासवर्ड देने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने सॉरी जो है मेरा एड्रेस सही नहीं है या पासवर्ड सही नहीं है, मैं इसको सेट कर लेता हूं। तो यहां पे इसको सेट करने के बाद यहां पे मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं वेलकम टू ऑर्बिटाओ, और यहां पे आपने स्ट्रेटजी अपनी सेलेक्ट करनी है अपने जो है गेम की, और 7 Deadly Sins हैं, और नॉर्स मैथोलॉजी से जो है इंस्पायर्ड है। इसी तरह एवरी बैटल कंक्लूजन, यहाँ पर आपको
कहाँ लीड करता है, तो उसके बारे में सारी डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने करना क्या है, डिपॉजिट हीरो करना है। डिपॉजिट हीरो पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे गाइस आपने डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे गाइज वहाँ पे हमारे एग शो नहीं हो रहे, तो उससे पहले यहाँ पे आपने अप्रूव करने हैं कि कितने एग आपने ओपन करने हैं। इन्वेंट्री से आपने एग्ज ओपन करने की अप्रूवल दे देनी है, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आपने डिपॉजिट एग पे क्लिक करना है। तो फिर भी शो नहीं हो रहा, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो जैसे ही गाइज आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी ट्रांजेक्शन की, फिर से आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे एग्ज जो हैं ओपन हो चुके हैं, यहाँ पे हैच हो चुके हैं। तो इनको आपने कर लेना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद जो है आपने डिपॉजिट कर देना है। डिपॉजिट करने के बाद आप यहाँ पे फिर से पॉपअप होगा आपके वॉलेट का, तो आपने इसको कंफर्म कर देना है ताकि आपकी ट्रांजैक्शन आसानी से हो सके। फिक्र न कीजिएगा, ये गैस फीस जो है हमने टेस्टनेट पे 1 BNB ली थी, ये आप विड्रा नहीं कर सकते। ये इसी तरीके से टेस्टनेट्स पे जो है आप गैस फीस वगैरह आपके कोई इशू नहीं होगा, आपके वहाँ पे ये यूज़ होती रहेगी। तो इस तरीके से आपने जो है कंफर्म कर देना है, फिर से ट्रांजैक्शन हमारी कंफर्म होगी। थोड़ी देर वेट कर लेना है, तो इस तरीके से नोटिफिकेशंस आ जाएंगे हमारे पास। डिपॉजिट हीरो सक्सेसफुल, तो यहाँ पे भी आ चुका है नोटिफिकेशन। तो इसको हमने क्लोज़ कर देना है। इसके बाद करना है लॉन्च गेम। तो लॉन्च गेम जैसे करना है तो हमारे पास जो है आई थिंक यहाँ पे हमारे पास मार्केट प्लेस है, इसको आपने ज़रूर विज़िट कर लेना है। इसका मैंने बताया भी है आपको पहले। तो यहाँ पे हम लॉन्च गेम पे आ जाते हैं, तो हमारी गेम जो है लॉन्च हो रही है। तो थोड़ा वेट कर लेना है ताकि आपकी प्रॉपर जो है लॉन्चिंग हो जाए आपकी गेम की। तो यहाँ पे गाइस हम मेन पेज पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आपने अपने ईमेल एड्रेस को लॉगिन करना है अपना पासवर्ड दे के। तो इस तरीके से आपने जो है इसको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे इसको नेवर कर देते हैं। तो यहाँ पे लोडिंग फिर से हो रही है, डाउनलोडिंग कंटेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि हमारे पास जो है यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आ गया, तो पावर हमारे पास 432 है यहाँ पे। और इस तरीके से हमारे पास हीरोज़ जो हैं ये आपके सामने हैं। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकते हैं आइडल टू अर्न कर सकते हैं। हीरोज़ आपके यहाँ पे होंगे, इन्वेंट्री आपकी यहाँ पे होगी। इस तरीके से ये चीज़ें आप जो है चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह जो है हमारे पास बैक पे चलते हैं, तो यहाँ पे सेटिंग वगैरह होगी। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपका आई थिंक नोटिफिकेशन आ रहा है या क्या है, कुछ चलें छोड़ें इसको। आपने इसको पीवीपी अभी नहीं आया, तो स्टोरी पे चलते हैं। स्टोरी पे आपने जो है यहाँ पे आप लेवल 1 सेलेक्ट कर सकते हैं या लेवल 2 जैसे आएगा तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आपने बैटल पे क्लिक कर देना है। बैटल पे क्लिक करने के बाद जो है आपकी जो है गेम स्टार्ट होने वाली है। तो आपने यहाँ से जो है बैटल पे क्लिक कर देना है। बैटल पे क्लिक करने के बाद जो है आपके हीरोज़ जो है आपके गेम में आ जाएंगे, और वहाँ पे आपने गेम प्ले करनी है। बहुत ही अमेजिंग गेम है, तो आप इसको खेलिएगा। अभी तो टेस्ट नेट आया है, तो नेक्स्ट जैसे इनका जो है मज़ीद इनका पीवीपी मोड आएगा तो उस पर आप ज़रूर प्ले कीजिएगा ताकि आप अर्निंग कर सकें। तो यहाँ पे गाइस हमारी जो है गेम स्टार्ट हो चुकी है, तो हम इसको प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कभी हमारे जो है साइड से जाएगा हीरो, तो कभी उनकी साइड से आएगा। तो हमने गेम प्ले करके गेम कर ली है। वेव 2 आ गया है। वेव 2 में आप देख सकते हैं हमारे जो हीरो हैं ये फाइट करेंगे, तो बहुत ही कमाल की फाइट होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेव 2 भी हमने विन कर लिया है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वेव 3 आ गया, तो इसमें भी हमने बैटल करनी है, इनसे लड़ना है। हमारे यहाँ पे हेल्प शो हो रही होगी हमारे हीरोज़ की, यहाँ पे एनिमीज़ के हीरोज़ की हेल्प शो हो रही है।